रोहतक पीजीआई में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध प्रदर्शन की, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध प्रदर्शन के चलते कई डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स का समर्थन इन मेडिकल स्टूडेंट्स को मिला है, तो आज जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपना पेन डाउन कर दिया है। पेन डाउन स्ट्राइक के कारण वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब काम नहीं करेंगे डॉक्टर्स तो आप समझ सकते हैं कि मरीजों को कितने परेशानी हो रही है। रेसिडेंट डॉक्टर्स एक घंटे के लिए पेन डाउन हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि पिछले 19 दिनों में रोहतक में एमबीबीएस छात्रों का धरना जारी है, और रोहतक में ही नहीं, आसपास के और भी कई मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे करनाल का हो चाहे कैथल का हो, अलग अलग जो कह सकते हैं जिले हैं हरियाणा के, वहाँ के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से रोहतक पीजीआई में हो रहा है यह धरना। 3 दिन पहले रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया था कि अगर हरियाणा सरकार इन एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो भी फिर आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, और इसी कड़ी में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने एक घंटे के लिए सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल की। और सोचिए, एक घंटे की हड़ताल ने बहुत कुछ बदल दिया। मरीज इतने परेशान हुए कि फिर इस हड़ताल को खत्म किया गया। हड़ताल से रोहतक पीजीआई में दूर दराज से आए जो खासतौर पर मरीज थे, जो कि नहीं थे रोहतक के, बाहर से आए थे, उन्हें तो बहुत परेशानी हुई। एमबीबीएस छात्रों का कहना यह है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में सरकार का रुख क्या होता है, क्योंकि अब देखिए 19 दिन बीत चुके हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई करने की बजाय ये स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या बदलाव किया जाता है बॉन्ड पॉलिसी में, किया भी जाता है बदलाव या नहीं किया जाता है, देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोग में कोई भी अपील नहीं आई थी, तो उसके चलते हमारे आरडीए ने ये डिसीजन लिया कि वो 10 से 11 आज पेन डाउन करेंगे, जिसके अंदर ओपीडी से रिलेटेड सारा काम बंद हो जाएगा, जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग नहीं होगी। और हम कहना चाहते हैं कि जो मरीजों को यहाँ पे दिक्कत हुई है, हम खुद उनसे ज़्यादा दुखी हम थे, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार की वजह से ये सब हो रहा है।